आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होत आहे? स्मार्ट न्यूज चे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अंगड़ी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। पूरा भारत रामनवमी मना रहा है, महंगाई संदर्भ में कार्य को लेकर केंद्र द्वारा अन्याय। बीजेपी उम्मीदवार जगदीश शेट्टर का उम्मीदवारी आवेदन दाखिल। कांग्रेस प्रत्याशी मृणाल हेबालकर का आवेदन। कमेटी प्रत्याशियों की जीत के लिए केंद्रीय बैठक में निर्णय। रेलवे स्टेशन पर आम्बेडकर प्रतिमा की पूजा। कैंप स्थित धोबी घाट क्षेत्र की खुदाई पूरी। कोमनो ने चेक पोस्ट पर 12.5 लाख रुपए जब्त। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात, तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी दे टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमती। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाडी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। पूरे भारत के सबसे आराध्य देवता भगवान राम का त्योहार बस 2 दिन दूर है। जिस मंदिर का हम कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वे अब खड़ा हो गया है। इसलिए इस साल रामनवमी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने की संभावना है। इस बीच उसी रामनवमी के लिए 111,111 किलोग्राम लड्डू प्रसाद के लिए अयोध्या के राम मंदिर में भेजे जाएंगे। ये लड्डू देवरा हंस बाबा ट्रस्ट की ओर से अयोध्या भेजे जाएंगे। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष अतुल कुमार सक्सेना ने कहा, देवरा हंस बाबा ट्रस्ट 111,111 किलो लड्डू प्रसाद अयोध्या भेजने जा रहे हैं। साथ ही देश भर के विभिन्न मंदिरों में हर हफ्ते लड्डू का प्रसाद भेजा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर हो या तिरुपति बालाजी, सभी मंदिरों में लड्डू भेजे जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर इस ट्रस्ट ने अयोध्या में 40,000 किलो लड्डू बांटे थे। इसलिए ऐसा लग रहा है कि यह रामनवमी समारोह देश भर में बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। महादाई संदर्भ में कार्य को लेकर केंद्र द्वारा अन्याय। कानून एवं संसदीय मंत्री HK पाटिल ने रविवार को बेलगामी आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में महादाई जल परियोजना की मंजूरी को स्थगित करने के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के फैसले की निंदा की है। यह निर्णय पिछले फरवरी में केंद्रीय वन मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। यह मोदी सरकार द्वारा कर्नाटक के लोगों के साथ किया गया बहुत बड़ा अन्याय है। महादाई जल विवाद न्यायाधिकरण के आदेश के बाद राज्य सरकार केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन अब निर्णय में देरी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वादा खो दिया है और कर्नाटक के लोगों के वोट पाने का नैतिक अधिकार खो दिया है, ऐसा मंत्री पाटिल ने कहा। बीजेपी उम्मीदवार जगदीश शेट्टर का उम्मीदवारी आवेदन दाखिल। बेलगाम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार जगदीश शेट्टर ने सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी नितेश पाटिल को अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली, सांसद मंगला अंगड़ी, पूर्व विधायक अनिल बेनके, विधान परिषद सदस्य हनुमंत निरानी उपस्थित थे। कांग्रेस प्रत्याशी मृणाल हेब्बालकर का आवेदन। बेलगाम लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मृणाल हेब्बालकर ने सोमवार को चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर नितेश पाटिल को अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार, बेलगाम जिले के संरक्षक मंत्री सतीश जारकीहोली, विधान परिषद सदस्य चन्नाराज हट्टीहोली, प्रकाश हुक्केरी, बगाना नरोटी उपस्थित थे। कमेटी प्रत्याशियों की जीत के लिए केंद्रीय बैठक में निर्णय। मराठी भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए मराठी भाषियों से अपील की गई है कि वे समिति के पीछे खड़े हो और बेलगाम तथा कारवार लोकसभा क्षेत्रों से महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवारों को समर्थन देकर उनका चुनाव करें। लोकसभा चुनाव पर चर्चा के लिए रविवार को मराठा मंदिर में केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई। अध्यक्षता पूर्व विधायक मनोहर किनेकर ने की। रेलवे स्टेशन पर आम्बेडकर प्रतिमा की पूजा। पिछले 1.5 साल से नवीनीकृत रेलवे स्टेशन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का पूजन कर मही समिति और दलित संगठनों ने रविवार को जयंती मनाई। मही समिति और दलित संगठनों ने रविवार को रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मनाने का आह्वान किया गया। इसके मुताबिक दोपहर में कई कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। इस समय समिति के नेता रमाकांत कोंडुसकर, समिति के उम्मीदवार महादेव पाटिल और दलित नेता डॉक्टर अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियों की पूजा की गई।
कैंप स्थित धोबी घाट झील की खुदाई पूरी। छावनी परिषद क्षेत्र के धोबी घाट परिसर में पिछले 20 दिनों से करीब 2.5 एकड़ क्षेत्रफल में झील की खुदाई की जा रही है। प्यास फाउंडेशन ने झील की खुदाई की है और जिस स्थान पर मिट्टी गिरेगी वहां पत्थर लगाए जाएंगे। ये झील 15 फीट गहरी है और ये झील क्षेत्र में कुएं की जलापूर्ति बढ़ाने में मदद करेगी। मेलगाम शहर में लगभग 50 से 60 वर्षों से कोई मानव निर्मित झील नहीं है, इसलिए वर्तमान में पानी की एक बड़ी समस्या है। वर्तमान समय में जगह की कमी के कारण तालाब बनाना कठिन हो गया है। हालांकि प्यास फाउंडेशन द्वारा छावनी सीमा के भीतर छावनी बोर्ड की अनुमति से 20 दिनों के लिए झील का निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल झील की खुदाई पूरी हो चुकी है। कोगनोली चेक पोस्ट पर 12.5 लाख रुपए जब्त। मुंबई से बल्लारी जा रहे एक बस यात्री से 12,49,000 रुपए की नकद राशि जब्त की गई है। ये कार्रवाई शनिवार रात को यहाँ टोल नाका के पास लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए चेक पोस्ट पर की गई। इस संबंध में अधिक जानकारी मिली है कि शनिवार की रात एक निजी कंपनी का कंफर्ट बस से कार्तिक नाम का यात्री मुंबई से बल्लारी जा रहा था। बस की जांच करने पर उनके पास 12,49,000 रुपए की रकम मिली। इस संबंध में कोई दस्तावेज नहीं मिलने पर रकम जब्त कर ली गई। जब्त राशि निर्वाचन विभाग को सौंप दी गई है। निरीक्षण दल में शामिल महालापा दत्तवाड़े, शिवानंद तेली, विजय सालुंखे, बालू हजारे, शिवलिंगा देवटे ने कार्रवाई की। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए स्मार्ट प्लस। बिगर फेस्टिव ऑफर्स, इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSE देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSE द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक कि होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSE द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत, बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। जिला पंचायत कार्यालय रविवार को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे ने डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर की पूजा की। उन्होंने कहा, अम्बेडकर का योगदान बहुत बड़ा है। इस अवसर पर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बसवराज अडवीमठ, मुख्य लेखा अधिकारी परशुराम दुड़गुंटी, मुख्य योजना अधिकारी गंगाधर दिवादकी, गंगा हिरेमठ आदि उपस्थित थे। केईली कैंसर अस्पताल सुधा मूर्ति से मिले। प्रसिद्ध साहित्यकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सुधा मूर्ति ने शनिवार को जल्दी खुलने वाले केईली कैंसर अस्पताल का दौरा किया। केईली संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे और केईली तकनीकी विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर अशोक शेट्टर उपस्थित थे। इस समय अस्पताल के चिकित्सा निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर MV जाली, डॉक्टर मूर्ति का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा, इस अस्पताल में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सेवाएं प्रदान की जाएगी। बेलगाम खानापुर से भाविक ज्योतिबा के लिए प्रस्थान। बेलगाम और खानापुर से श्रद्धालु रविवार को सचेत हुए बैलगाड़ी से ज्योतिबा पहाड़ी के लिए रवाना हुए। मुख्य यात्रा 23 तारीख मंगलवार को होगी। 4 दिनों तक लगातार यात्रा करने के बाद ज्योतिबा पर्वत पर पहुंचने वाले हैं। पहले ज्योतिबा के मेले में श्रद्धालु बैलगाड़ी से जाते थे, वो प्रथा आज भी बेलगाम के लोगों द्वारा संरक्षित है। रबी फसलों को बेमौसम क्षति। बेमौसम बारिश के कारण तालुका के ग्रामीण इलाकों में फसलों को नुकसान हुआ है। गेहूं, ज्वारी और मक्का उत्पादक किसान विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं और उन्हें भारी नुकसान हुआ है। पश्चिमी भाग में बारिश हुई है और किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बेलगाम इलाके में शुक्रवार शाम को बारिश हुई। तूफानी हवाओं के साथ हुई बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है। मुख्य रूप से रबी सीजन की फसलें प्रभावित हुई है और किसान हताश हो गए हैं। छात्रों ने नीट CET का अनुभव किया। राज्य में पहली बार नीट CET JEE प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। ये गतिविधि शुक्रवार को चिकोड़ी और बेलगाम शैक्षिक जिलों के सभी सरकारी कॉलेजों में लागू की गई। इसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बताया गया है कि ये गतिविधि स्नातक शिक्षा विभाग और एपेक्स वेलफेयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सहयोग से क्रियान्वित की गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे ने कहा, कंगराली ग्राम पंचायत महामहिम को प्रणाम। रविवार को कंगराली बुद्रुक ग्राम पंचायत की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती मनाई गई। SDO मलप्रभा ने परिचय दिया। पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष गजानन पाटिल, सदस्य जयराम पाटिल, सीके तलवार ने मूर्ति पूजा की। बसवा नाईक, स्वाति अष्टेकर, लक्ष्मी कामले, शंकर मिशी, दिलीप सामरेकर, बालू पाटिल ने दीप जलाया। इस अवसर पर कैंपन्ना मुन्नोली, धर्मेंद्र सुतार, सतीश शिंदे, नदीम मुल्ला, प्रशांत पवार, पिराजी नाईक उपस्थित थे।
खानापुर समिति द्वारा अंबेडकर जयंती। रविवार को खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती मनाई गई। प्रारंभ में खानापुर समिति के अध्यक्ष गोपाल देसाई, महासचिव बाबा साहेब दलवी, कार्यकारी अध्यक्ष निरंजन सर देसाई, डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर राजाराम देसाई, नागेश भोसले, सदानंद मादार, स्वप्निल मादार, प्रभाकर मादार, संदेश कोडचवाड़कर, सचिन मादार, राघोबा मादार आदि उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।